जब हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी ही वायरस बैक्टीरिया से मुकाबला करती है, लेकिन सच ये भी है कि ये इम्यूनिटी कुछ दिनों या हफ्तों में तैयार हो जाने वाली चीज नहीं है। ये लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है और इसके लिए हर दिन कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल मीनाक्षी, और आजकल के बदलते मौसम को तो देखते हुए और ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखिए, कुछ दिन में टेम्परेचर बढ़ा, फिर लगा कि तो सर्दी खत्म हो गई है, लेकिन फिर से वेस्टर्न डिस्टरबेंस के वजह से एक बार फिर से मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। और अमित, अब दिन में चटक धूप तो रात में बर्फीली हवा चल रही है, ऊपर से मौसम वैज्ञानिक एक दो दिन में बारिश की भी उम्मीद जता रहे हैं, यानी कि मौसम के तेवर पूरी तरह कंफ्यूज कर रहे हैं मीनाक्षी। हालांकि मुझे तो ये वेदर बहुत अच्छा लगता है। वेदर के साथ मिचौली में जरा सी चूक वायरस बैक्टीरिया के लिए शरीर में एंट्री का रास्ता साफ कर देगी। सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरल बुखार की चपेट में आते देर नहीं लगेगी। वैसे मीनाक्षी, होने में और देखने में ऐसा लगता है कि खांसते खांसते बॉडी पेन से कराने लगते हैं लोग और अस्पताल तक पहुंच जाते हैं। और उत्तरी भारत की अगर बात की जाए तो कई इलाकों में तो कोल्ड कफ फीवर के जो मरीज है 60% तक बढ़ गए हैं। यानी थोड़ी थोड़ी देर में बदलते तापमान में जरा सी ठंड लगने से अस्थमा के मरीजों की भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वहीं बच्चों और बुजुर्गों में लगातार कफ की परेशानी उन्हें निमोनिया का शिकार भी बना रही है। और साथ ही साइनस, माइग्रेन, टॉन्सिल्स की बीमारी भी लोगों की परेशानी बढ़ाने में पीछे नहीं है। और अगर पानी कम पियो तो बॉडी में डिहाइड्रेशन से डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। बिल्कुल, और इतनी सारी बीमारियां हमले के लिए तैयार हैं और इनसे बचने का तो कोई उपाय खोजना ही होगा, वरना सर्दी का मौसम जाते जाते सेहत की टेंशन बढ़ा देगा। अमित, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, इन बीमारियों को शरीर में एंट्री करने से पहले ही रोकना होता है और इसके लिए इम्यूनिटी को सुपर फौलादी बनाना होगा। और ये होगा कैसे, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए सीधा उन्हीं की शरण में चलते। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। आज हम धोरारी धरती राजस्थान से हैं। बेटी मीनाक्षी जी, आपका आपके आपकी धरती पर आ गए और हमारी माता जी की धरती। और इधर देखो बच्चे, यहाँ पर भी महायोगी है। ये देखो परिणति, देखो इधर, ये ऋत्विक देखो, और ऋत्विक की बहन को देखो। क्या बात है, क्या नाम है ऋत्विक की बहन का? अंजलि। अंजलि, परिणति, ओहो हो हो। और ये ऋत्विक, और देखो इधर भी जो छोरी सुदेश से लेकर खेसारी, बहुत जोर से लगी हुई है। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। आज तो एक योगियों की धरती पर आ गया हूं। हाँ, ये शक्ति की, भक्ति की धोरारी धरती, मीरारी धरती। आनंद ही आनंद है, बच्चों को देख करके खूब आनंद हो रहा है। अरे पीछे से हटो रे, ए ऊंट आट भी देखने दो ना भाई, राजस्थान रो। हाँ स्वामी जी, आज तो आप करणी माता के धरती पर हैं। ए ऊंट वाला भाई, थारी ऊंट गाड़ी मैं आज चलाऊंगा, आ घना देना के पास। हाँ, ये ऊंट गाड़ी, ये ऊंट भी पूरा मस्त है। हाँ, अपनी जुगाड़ी कर रहा और इन्हें सजा संवार के लाया एक बार। वाह क्या बात है, ऊंट को भी अभिनंदन। हम उष्ट्रासन रोज करें, आज ऊंट ही दिखा दियो। तो ये इधर ये ऊंट है और इधर ये हो ये ऋत्विक अंजलि, ऋत्विक अंजलि ने और परिणति ने तो पूरा रिकॉर्ड बना रखा है। ये वर्ल्ड चैंपियन की तैयारी कर रहे हैं, नेशनल जीत चुके हैं बच्चे। जोरदार अभिनंदन है। अरे जोरदार अभिनंदन तो जोर से करो रे। हाँ, तो बैठा बैठा हम भी कर देते हैं। हाँ, हमारे पूज्य चिदानंद मुनि जी महाराज हैं, हमारे पूज्य मुरलीधर जी महाराज हैं, सारे संतों को प्रणाम, महात्माओं, स्वामी जी हमारे तरफ से भी बहुत बहुत प्रणाम और स्वागत है। आप सबको भाई प्रणाम कह रहे हैं, अमित जी, जो मीनाक्षी जी और ये सारी बेटियां भी भाई। अब इनको एक बार इंडिया टीवी के स्टूडियो में लेके चलूंगा। अभी भी इंडिया टीवी पर सारा देश आपको देख रहा है। हाँ, तो स्वामी जी, क्योंकि आप तो ये देखो आज तो जी मेरे भाई, क्योंकि आप जिस धरती पे हैं वहां पर ठंड भी बहुत पड़ती है, गर्मी भी बहुत पड़ती है, तो आजकल ऐसा कुछ कंफ्यूजन हम लोग यहाँ पर फील कर रहे हैं, क्योंकि कभी सर्दी तो कभी गर्मी, तो तेजी से बदलते इस मौसम में
जिनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, उन्हें कई बार सीजनल जो रोग होते हैं यानी सीजन की वजह से, बदलते मौसम की वजह से जो रोग हैं वो पकड़ लेते हैं। इन बीमारियों पर भी एक एक करके हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो बात करेंगे इम्यूनिटी को लेके, उसको कैसे स्ट्रांग बनाए, और उसके लिए पांच रामबाण आपके योग अभ्यास, क्योंकि स्ट्रांग इम्यूनिटी का मतलब है कि हम मौसम को बेअसर कर सकते हैं और किसी भी बीमारी को टक्कर दे सकते हैं। स्वामी जी, ए छोरा छोरिया में कंपटीशन चल रो है, ए ऊपर से ऐसे घूमे जैसे गेर बॉक्स लगा रखे हो, घुमाइए छोरा, वाह, ए इधर भी घूमे और उधर भी घूमे, ये वाह, परिणति में और ऋत्विक में तो आज जोरदार कंपटीशन चल रहा है, दोनों ही पिछड़ो ही है। हाँ, ये दोनों तो भाई बहन है और ये भी इनके पड़ोस में ही रहे और इधर भी बच्चे जोरदार कर रहे हैं। तो पांच योगाभ्यास अस्थमा के लिए क्या क्या करो, ये सब बैठे बैठे करो ना, थे भी ये हमारा धर्म जी, कहना जी, हमारा शंकर जी, पद्माराम जी एक बहुत बड़े या गृहस्थ संत हुए, उनकी स्मृति में ए पद्म समारोह करो उद्घाटन करने वास्ते अटे आया, एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई, इन बच्चों को भी अपने पिता की स्मृति में आज यहाँ पर बहुत सुंदर, अरे ये तो भाई बहन आ युगल योग करे बहुत जोरदार था। अरे आज तो मैं वो सब्जेक्ट के ऊपर आऊं अब, और ऊपर ही पद्मासन लगा दियो, एक तो वो पद्म पद्माराम जी और एक यो पद्मासन, और अटे ये देखो ऊपर और नीचे अकर कर पड़ी थी बेटा, करे छोड़ मत, हाँ जमे रहो स्वामी जी, इन्हीं बच्चों तो की तरह जरा इम्यूनिटी स्ट्रांग करवाइए बाकी लोगों की भी योग अभ्यास के जरिए। हाँ, बाकी लोगों की इम्यूनिटी ऐसे स्ट्रांग होगी, देखो एक तो भस्त्रिका और लंग वास्ते, दूसरा हुआ है उष्ट्रासन, ए बच्चों तुम पूर्ण उष्ट्रासन करो, पूर्ण उष्ट्रासन, चलो बच्चों पूर्ण उष्ट्रासन करो, ये बहुत जबरदस्त है लड़की इम्यूनिटी को। अब पहले तो हमारी भी मुंडी पीछे यहाँ तक आती थी, देखो बच्चे कर रहे हैं ना, ये है पूर्ण उष्ट्रासन। हाँ, ऋत्विक अंजलि और प्रणति कर रहे हैं, आप भी करो उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन करो। हाँ सब बच्चे अच्छे, ये ए लंग की इम्यूनिटी के लिए जितना जिससे बन पाए। हाँ ऐसे, फिर दूसरा चलो उल्टा लेटो, मैं तो कर रहा हूं भुजंगासन और तुम करो पूर्ण भुजंगासन, पीछे से पैर उठाओ, सिर पे रख दो, सिर पे लगा दो और आगे गर्दन के आगे ले आओ, क्या बात है, क्या बात है, तो कुछ कुछ ही कर दे रहे भाई, ये बेटियां भी बड़ी जबरदस्त है। तो ये लंग की इम्यूनिटी के लिए, ये लंग की इम्यूनिटी के लिए हल्दी शिलाजीत च्यवनप्राश खाओ, स्वासारी भ्रूण कुम खाओ, और भाई जो ऐसे कर ले, और सूर्योदय कितना सुंदर हो रहा है आज भाई, आनंद आ गया, पूछा तो हमें 1 बजे यहाँ, लेकिन सारी थकान दूर हो गई सुबह रो सूरज देख के। हाँ, ये ऐसे भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन, और भाई जो ऐसे कर सके, हाँ बेटा टूट मिट जाइयो रे, हाँ मैंने सोचे छोरो इकट्ठो हो गयो, फंस तो नहीं गयो। तो ऐसे ये भुजंगासन, चलो बच्चों सब करो भुजंगासन करो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये भुजंगासन ये लंग की इम्यूनिटी के लिए। फिर ये चलो धनुरासन, पूर्ण धनुरासन करो थे, हाँ मैं धनुरासन करूं थे, पूर्ण धनुरासन करो, हाँ ये लंग की इम्यूनिटी के लिए, फिर पूरी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए। ये छोरिया भी बहुत जोरदार है भाई, मैं अठीने तो देखी को नहीं के जोरदार कर रहा है सब, क्या बात है भाई। और फिर ये तो अब करनो है वृश्चिकासन, देखो मैं तो इतना ही करूं भाई, मैं इससे ज्यादा करूंगा तो टूट फूट जाऊंगा। एक तो ये, और तम वो करो तुम लोग करो पूर्ण वृश्चिकासन करो, हाँ चलो करो बच्चों, क्या बात है, जोरदार ताने बजाओ भाई, छोरा छोरी आवाज से, बड़ी छोरी भी बढ़िया कर रही है। स्वामी जी आप राजस्थानी भी क्या खूब बोल रहे हैं, हाँ क्या बात है। अरे भैया हम राजस्थान रा भाड़ जा, हमारी माता जी राजस्थान रही है ना,
अच्छा। तो दाल बाटी चूरमो खाने वास्ते आया। स्वामी जी मुझे तो समझ में नहीं आता कभी आप इतनी अच्छी हरियाणवी बोल लेते हैं, राजस्थानी, जोरदार कार्यक्रम, गुजराती, कितनी भाषाएं आप बोल लेते हैं। तो वही ताड़ी बजा रहा, करो गोमुखासन करो। चलो महाराज आप तो कपाल भाती करो, मुनि जी आप तो हमारे साथ का गोमुखासन करो। आज सिदानंद मुनि जी महाराज गोमुखासन। हाँ तो महाराज जी की बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबल है, मैं सोच रहा था मैं स्लिम स्मार्ट हूँ, मुनि जी तो मारता भी एडवांस है। तो देखो गोमुखासन, अब जगह जितनी है उतने में कर लो। अरे फोन दोबारा उठा लियो, अरे छोरो फोन कट गयो थो। हाँ उठा लो उठा लो। हाँ फोन कटे पटे अपनो काम चालू, खटपट में काम करनो है। हाँ तो देखो ये गोमुखासन, तो ये तो लंग की मिनिटों को बढ़ाने के लिए, और एक लंग की मिनिटों को बढ़ाने के लिए दूसरा अभ्यास है। हाँ? ए छोरो दंड लगा रहे हो ना, दंड लगा छोरो, ए गुणगुण लगा हुए दंड, उठे लगाओ खास ऊपर लगा। हाँ चलो ए स्वदेशी भी लगा लगा जी जी। देखो ए जिन्हें इम्यूनिटी बढ़ानी है ना महाराज, जो पावर योग रोज करावा ये अब मुनि जी से तो दंड लगवाऊंगा नहीं तो कहेंगे महाराज हमने क्यों दंड दो। लगाओ महाराज। महाराज जी खुद ही चाह रहे दंड लगाने। हाँ महाराज जी खुद ही चाह रहे। अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्वामी जी महाराज आपकी तरह सब स्ट्रॉन्ग योगी हैं। जोरदार तालियां बजा दो भाई। कितनी उम्र हो गई महाराज? 72 हो गई भाई। अरे 72 में लगाओ महाराज, लगाओ लगाओ आप तो। हाँ दंड लगाओ। हाँ महाराज ने छोड़ लो को नहीं आज साथ साथ। स्वामी जी एक और विषय शामिल कर लेते हैं। और वैसे भी मतलब करो सम्मिलित करो विषय सम्मिलित जी करो। स्वामी जी महाराज आप तो भुजंगासन करो मुनि जी। हाँ। मौसम ये जो करवट बदल रहा है, मैं तो हालांकि शुरुआत में कह रही थी कि ये मौसम योग के लिहाज से बड़ा ही अच्छा है, ना बहुत ज्यादा गर्मी है ना बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन इसी बदलते हुए मौसम में 7 बीमारियां ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम लेकर आती है, उसमें से एक ये है सर्दी खांसी और जुकाम। पहली परेशानी तो यही है, दिन में गर्मी महसूस होने लगती है, तभी रात को ठंडी होने लगती है, सर्द हवाएं चलने लगती हैं, और अपने आसपास में देख रही हूँ बहुत सारे लोग जुकाम और बुखार से परेशान हो रहे हैं। कफ और कोल्ड फीवर से छुटकारा कैसे पाया जाए ये समझाएं। देखो एक तो हनुमान दंड लगाए, जो बच्चे भी पीछे बहुत जोर से लगा रहे हैं। बच्चों क्या बात है भाई, राजस्थान बहुत मजबूत है। हाँ, क्या बात है भाई, आज राजस्थानियों ने तो हमारा दिल ही जीत लिया। हाँ जोरदार बच्चे। तो जिनसे ये ना हो पाए तो क्या करें, यही करो ऐसे ही करो। और सर्दी जुकाम बुखार के लिए हल्दी अदरक लौंग काली मिर्च थोड़ी सी इलायची इसका काढ़ा बना के पियो, थोड़ा सैड डाल के, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड की समस्या नहीं होगी। और फिर भी किसी को सर्दी जुकाम हो जाए तो क्या करें, तो लक्ष्मी विलास संजीवनी खदिरादि लवंगादि बटी और कंठामृत, कंठामृत तो बहुत ही जोरदार है। और फिर किसी को बुखार हो जाए तो फिवोग्रीट, महासुदर्शन घनवटी, गिलोय घनवटी, एलोपैथी के एंटीबायोटिक नहीं लेना, सिंथेटिक दवाइयां। चलो बच्चे ये करो, कितना अच्छा है ना ये ऐसे। और महासुदर्शन घनवटी से, जोरनासा क्वात से और फिवोग्रिट से, गिलोय घनवटी से एकदम बुखार, टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाए, 104 डिग्री बुखार, 105 डिग्री बुखार। हाँ भाई एक तो ये, और भाई ये ऊंट गाड़ी वाला ऊंट है कि दौड़ने वाला भी है, दोनों है। तो एक
दौड़ने वाला ऊंट अठे रखो, मैं फिर आ जाए पर दौड़ लगो दौड़। हाँ, एक ऊंट गाड़ी से निकाल के अठे लाओ। हाँ, गाड़ी वाला ऊंट भी जोरदार है, और ये ऊंट मतलब मजबूत वाले ऊंट है, खाते पीते ऊंट है, राजस्थान रा लोग भी खाता पीता, ऊंट भी खाता पीता। हाँ, माड़ा ऊंट को नहीं। हाँ, महाराज भी खाता पीता और दिख रहा है महाराज कि महाराज खाते पीते हैं, पीते मतलब वो पीने वाला मत समझना। कभी कभी पीते खाते हो वो पीते खाते हैं। तो सर्दी जुकाम बुखार का बताया, और एक ये पॉइंट दबाओ और एक जोर से ताली बजाओ, बस जोर से ताली बजाओ, और एक बार यू जोर से हासिल हो कैसे। जोर से तो एक बार हंसने से फेफड़े का भी व्यायाम होता है। हाँ, ये बच्चे तो सूर्य नमस्कार करो, चलो सब। हाँ, ये तुम भी सूर्य नमस्कार करो, ये बच्चो बैठे आके सूर्य नमस्कार करो, तीनों तुम भी करो। हाँ, यहाँ करो, यहाँ ऐसे लाइन में ऐसे 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 ऐसे, चलो करो आगे पीछे खड़े हो, ऐसे करो, देखो ऐसे करो, कर बच्चे। हाँ, सूर्य नमस्कार करो, वन, देखो सूर्य नमस्कार का नया स्टाइल है, आगे से भी और पीछे से भी करे छोरो, फिर आगे। हाँ, क्या बात है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, ए स्टाइल मैंने अठे ही देखियो, क्या बात है। हाँ, पूरो भाई। हाँ, ऊपर फिर ऐसे फिर वापस। हाँ, क्या बात है ये स्वामी जी, चलो वापस। अब तुम इधर आओ। हाँ, जिस तरह से आप इन बच्चों से अलग तरीके सूर्य नमस्कार करा रहे हैं, उसी तरह से जो बीमारियां भी हैं अलग अलग रूप में आती हैं। और अगला नंबर जिस बीमारी का हम कह रहे हैं या इन्फेक्शन का हम कह रहे हैं, वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। स्वामी जी, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कैसे लड़ा जाए और लड़ने के क्या उपाय हैं, ये आप हमें बताएं, और साथ ही साथ किस तरह से सावधानी बरत सकते हैं ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो इस दौरान, खासतौर पर जब मौसम इतनी तेजी से रंग बदल रहा है। तो देखो, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन उन्हीं को होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। एक तो जैसे मैं सुबह सुबह आया, चालू रखो बच्चे, हाँ, 10 बार कम से कम रोज सूर्य नमस्कार करना। तो जो 10 बार सूर्य नमस्कार रोज करेंगे, ये बच्चे मेरे सामने भी कर रहे हैं, आराम आराम से करो, पीछे भी कर रहे हैं और इधर भी कर रहे हैं, थोड़े पीछे होकर करो बेटे, इधर तक आ जाओ, यहाँ तक कर जाओ, थोड़े पीछे कर, हे बाबू। तो जो सूर्य नमस्कार करते हैं उनकी सुपर इम्यूनिटी होती है, जो करेगा सूर्य नमस्कार क्या होगी उसकी सुपर इम्यूनिटी। हाँ, और फिर अणु तेल सुबह सुबह नाक में डालो, और चलो बैठे बैठे थे भी भस्ती का करो। हाँ, आप तो बैठे बैठे मन निहार रहे हो। हाँ, चलो बच्चों, शीर्षासन और सर्वांगासन करो, वापस जाओ अपनी जगह, शीर्षासन करो सर्वांगासन करो। हाँ, तब भी करो शीर्षासन सर्वांगासन। अभी हमारे पूज्य महापुरुष भी बारी बारी से आ रहे हैं आज, पूज्य आचार्य भाषण जी को भी बुलाओ, मैं भगवती जी को भी बुला के लेके आओ, और पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज भी आने वाले हैं। हाँ, और ये भस्त्रिका करो। तो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन उनको होते हैं जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, तो हमें लेना चाहिए इम्यूनोग्रिट। क्या लेना चाहिए बोलो, इम्यूनोग्रिट, बड़ा जोरदार इम्यूनिटी के लिए। दूध में हल्दी, सिलाजी, च्यवनप्राश, जैसे इन बच्चों को आज मैंने गिफ्ट दिया है, अरे गाय का घी खाओ, जो पहले से खाएंगे होने के बाद तो बंद कर देते हैं जब कफ कोल्ड सर्दी जुकाम हो जाए। तो ये जिनको भी बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शन होते हैं, रोज एक चम्मच गाय का घी खाना चाहिए, इम्यूनोग्रिट खानी चाहिए, दूध में हल्दी सिलाजी च्यवनप्राश लेना चाहिए हर मौसम में। कुछ लोग सोचे सर्दी में च्यवनप्राश खाना, अरे जोरदार शीर्षासन करें सब बच्चों ने, सर्वांगासन भी, क्या बात है, जोरदार अभिनंदन में सब बच्चों। तो ऐसे जो रोज इम्यूनोग्रिट खाएंगे, जो रोज सूर्य नमस्कार करेंगे, जो रोज गाय का घी खाएंगे, और जो खावे चूरमू वो बने सूरमा, और जो खावे खीर
वो बने वीर, और जो खीर चूरमू खावा वो बने महावीर। बोलो बजरंग बली की। और स्वामी जी जो खाए भुजिया की सेवा बीकानेर में है। अच्छा स्वामी जी, उमापति महादेव की जय। स्वामी जी आप बीकानेर में, बीकानेर भुजिया जो खाए उसका क्या हो फिर? ओ बीकानेरी भुजिया खावा उसकी गुजिया बन जावे। स्वामी जी एक और विषय शामिल कर लेते हैं, सर्दी से निजात। वे भुजिया ज्यादा मत खाइयो रे। स्वामी जी अनुलोम विलोम चल सब कर। स्वामी जी सर्दी से निजात जल्दी मिलने वाली है, लेकिन अस्थमा पेशेंट की परेशानी कम होने वाली नहीं है, क्योंकि पोलन डस्ट की मात्रा हवा में बढ़ने वाली है और इससे जो लोग फेफड़े की एलर्जी से परेशान हैं उनकी टेंशन काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो दिक्कत ना बढ़े उससे पहले अस्थमा के पेशेंट्स कैसे अपना ध्यान रखे स्वामी जी, वो बता दीजिए। एक तो देखो मीनाक्षी जी, मैं सुबह सुबह अठे दौड़ लगा के आयो। हाँ बहुत बढ़िया जगह चारों तरफ भाई। किसी बहुत से लोग ना डेजर्ट सफारी करने के लिए कटे जाओ है दुबई, जाओ है दुबई। अरे भाई, अरे जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, ऐसे तो डेजर्ट सफारी उन चालो तो सफारी हो जाओ। तो और दौड़े को धोरा में दौड़ ले, डिब्बा में ढीला। ए देखो पीछे जांडी है, सांगरी कैर सांगरी खावा यहाँ मस्त रहे। तो ये एलर्जी काफ कोल्ड श्वास दमा एक के बाद दूसरी बीमारी रो नाम ये तो सुनते ही रहते हैं। तो एक तो ये अनुलोम विलोम करियो। हाँ हमारे बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्राणायाम भी अच्छा करें, आसन भी अच्छा करें, और हमारे महापुरुष भी आ गए सब करो। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, और जो थोड़ी और ज्यादा मजबूती चाहिए तो भस्त्रिका, और वो भी जोर का भस्त्रिका से। लेकिन जो कमजोर प्राणी है जिनका पहले बीपी बढ़ा हुआ है, हार्ट की धड़कन बढ़ी हुई है, कमर दुख है, वो आराम आराम से करना है। ऐसे भस्त्रिका कपाल भाती ये तो बहुत जोरदार काम है। भस्त्रिका कपाल भाती तो सबके लिए मैंडेटरी है, कंपल्सरी। हाँ ये वैकल्पिक नहीं है, मैंडेटरी। भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम फिर एक होता उज्जाई। देखो ऐसे गोले में खरास परास पता नहीं के बोले लोग, अपना तो गला मस्त रहता है फिट। हम कल सुबह 4 बजे से बोलने लग रहे, अभी तक चालू है काम, बीच में 3-4 घंटे आराम मिला। हमारे मुनि जी तो मौन भी कर लेते 9 बजे तक, मारो तो वो भी को नहीं हुआ। ऐसे ये उज्जाई गले को टाइट करके श्वास भरना, फिर होल्ड करके रखना आधा मिनट से लेके 1-2 मिनट तक। चलो करो एक बार हुंकार भरो। ये बड़ा जोरदार, तो जो ये कर लेगा उसको कोई बैक्टीरिया वायरल फंगल इन्फेक्शन सर्दी जुकाम बुखार कफ कोल्ड, और एक ऋतु से जब दूसरे ऋतु में प्रवेश करते हैं ना तो ऋतु दोष आ जाते। क्या आ जाते? ऋतु दोष। जैसे ज्योतिष वाले भविष्यवाणी में बताओ ना, काल सर्प दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष। तो ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या, योगचर्या से ठीक हो जाते। किससे? योगचर्या से। ए छोटा योगी भी आ गया है। हाँ अब बताओ, ए छोटे छोटे बच्चों को योग के संस्कार मिल रहे हैं, पैन कार्ड दीजिए कभी कंठ में ले ले। हाँ अब देखो ए छोटे योगी आ गए,
पहचान कर रहे हो? हैरानी से देख रहा है बच्चा। शिवांश चलो, अब ऐसे बच्चों को जब बचपन से योग के साथ योग करता हुआ देखते भी है ना, कपालभाति करता है। करो भाई कपालभाति करो बाबू। क्या बात है, देख इधर देख। चलो मैं शिवांश के लिए भी जोरदार ताली बजाता हूँ। अब जाओ स्वामी जी, एक और विषय शामिल कर लेते हैं। अब देखिए, अगर योग के संस्कार इसी तरीके से आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेंगे तो ये देश ही नहीं बल्कि ये दुनिया सेहतमंद बनेगी। पहले तो दाढ़ी वाले बाबा ने देख के डर जाओ बालक। आजकल दाढ़ी वाले ने देख के गर्भ में पड़ा है, पैदा हुआ है तो डरे को नहीं बालक। स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि अगर इसी तरीके से योग के संस्कार, आयुर्वेद के संस्कार बच्चों को शुरुआत से ही मिले तो देश और दुनिया में बीमारियां तो आसपास भी फटकेगी नहीं। लेकिन क्या है ना कि लोग कंसिस्टेंसी नहीं बना के रह पाते। सर्द गर्म मौसम में एक और बीमारी है जो बेहद परेशान करती है, वो ये है इनडाइजेशन। इस मौसम में शरीर में पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम पर डायरेक्ट असर पड़ता है। कुछ लोग कॉन्स्टिपेशन की परेशानी से ग्रसित होते हैं। तो डाइजेशन की दिक्कत को कैसे दूर किया जाए और शरीर में पानी की कमी को कैसे पूरा किया जाए, ये समझ। हाँ, जब ऋतु बदलती है ना, तो जब भी कोई ऋतु बदले सबसे पहले गड़ों खराब, फिर पेट खराब, और जब गड़ा और पेट पाचन खराब हो गया तो पाचन तंत्र में गड़बड़ होने से सारा षड्यंत्र हो जाता है। इसलिए ये पांच आसन, एक मंडूक आसन ऐसे, फिर ऊट अठे लाओ रे, अठे 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 लाओ अठे, ऊपर यहाँ पीछे बैठाओ मारे पीछे, अठे नहीं लाओ। ये ऐसे, आज तो ऊंट की सवारी करनी पड़े महाराज। एक बार मैं ना बचपन में ऊंट पे बैठ गया तो ऊंट ने डांस करना शुरू कर दिया। मैं अरे अठे ने पीछे से लाओ उठी ने, ये तो सामने से लेके आओ है। मेरे ऊपर थोड़ी चढ़ाओ का, पीछे चढ़ाए थे। हाँ ये तो फिर, लेकिन मैं भी पक्का महाराज उनका ऊपर ही कूदते रहो बालक। तो 5-7 साल का बच्चा तो पीछे इधर लेकर के आएंगे यहां पर। हाँ साम इधर से घुमा के पीछे से, इधर से बुला लो महाराज, इधर इधर से जहां से। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेके आ रहा है। तो देखो पाचन के लिए मंडूक आसन, योग मुद्रा आसन, और फिर ये पवन मुक्त आसन। देखो ये ऐसे ऐसे, ये बड़ा जोरदार है पवन मुक्त आसन। फिर ये उत्तान पाद आसन, पाचन एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। और आज तो भाई पाचन बहुत बढ़िया बना लो रे, दाल बाटी चूरमा और पूरा लड्डू जलेबी की पूरी चूल्हा लो तो दावत है भाई धर्म जी के यहाँ, कान्हा जी के यहाँ। हाँ इधर बैठा हो, यहाँ बैठा हो ना, इन्हें क्यों छोड़े हो थे? अरे कहे आटो बैठा थे। हाँ वो यो नया कानून बताओ हमारो बेटो, पवन मुक्त आसन उत्तान पाद आसन, बैठो बैठो। हाँ ये हाँ ऊँट ऊँट भी घणु सुथरो बाबा, सदा के लाए जोरदार ताली बजाओ। हम रोज उष्ट्रासन करा, लोग कहे उष्ट्रासन क्यों हुआ है? एक वो स्वामी जी राजस्थान का फोक गीत है ना, लोक संगीत, लड़ली लूमा झूमा रे मारो गोर बंद नखरा लो। तो ये जो जैसे सुसज्जित किया गया है ना ऊंट को, गोर बंद नखरा लो, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। हाँ बहुत प्यारा ऊंट है। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन जो, और फिर लिवोग्रीट लिवामृत, पूरा मेडिकल साइंस कहता है। चलो बच्चों मयूरासन करो, मयूरासन मयूरियासन करो सब। हाँ ये अब बताओ, जो मयूरासन मयूरियासन कर लेंगे, द्राक्षासव कुमारियासव पी लेंगे, ओहो हो लिवोग्रीट
बहुत ही जबरदस्त है। चलो बच्चों, अरे भाई मारो तो रोज दिखाओ, इन बालकों को दिखाओ क्या जोरदार बच्चे करते हैं। चलो हाँ, अंजलि, परिणति और ऋतिक तो भाई ये तो योग का सुपरस्टार हो गया। सब लक्कड़ पत्थर है, जब देखो इधर भी करे बाबा जी, हमने भी देखो। हाँ बहुत जोरदार, मोर भी जोरदार है, मोरनी भी जोरदार है। स्वामी जी हाँ, यहाँ पर तो ऊपर चढ़ गयो, छोरो क्या करोगे। वाह क्या बात है, बैलेंसिंग। अरे भाई कमाल कर दियो रे छोरो, एक तो पद्म स्मारक ये कानार्क ये बनायो शंकर और धर्म, और ये मारो स्मारक योग रो स्मारक तैयार थे रियो। स्वामी जी अब राजस्थान बीकानेर में तो बच्चों को टावर बोलते, ये टावर बड़ो हाँ जी इंटेलिजेंट छे, बड़ा स्ट्रॉन्ग छे। गुजराती ले आए गुजराती। अरे ये हमारा अमित बंगाली राजस्थानी बोल रहा है, टावर ना टावर बोला। अब ये टावर पे तो टावर ही खड़ा था इसलिए। हाँ दोनों भाई बहन करो, गुरुजी है ना, बहुत बढ़िया गुरुजी है। वाह स्वामी जी, क्योंकि यहाँ पर जिस मजबूती से बोला आप टावर बोलो, ये तो योग रो टावर है। स्वामी जी यहाँ पर जो बच्चे दिख रहे हैं और उनकी जो मैं समझ सकता हूँ कि जो शारीरिक क्षमता इतनी अच्छी है, इतने मजबूत है, हड्डियां इतनी मजबूत है, लेकिन जो मौसम इस वक्त है उस पर जरा आते हैं, क्योंकि जरा सी लापरवाही होती है। 11,000 रुपए इनाम दे बालकन जी, पैसा लेके अभी मार निकाल। तो स्वामी जरा हड्डियों की बात कर लेते हैं। 5,000 दे छोरिया ने। हाँ हड्डियों की बात जरूरी, क्योंकि क्योंकि जो ठंड जब पड़ती है स्वामी जी तो उसमें जो अकड़न है और सूजन हो जाती है जॉइंट्स में, वो लोगों को काफी परेशान करने लगती है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बच्चों को आपने दिखाया और पीछे जो ऊंट आपके दिख रहा है हमें, मैं भी ये सोचता हूँ कि आखिरकार वो भी कितना मजबूत है, क्योंकि रेगिस्तान का जहाज उसे कहा जाता है, लेकिन उसके जोड़े कितने मजबूत है कि वो यहाँ पर गर्मी को भी झेलता है, उतनी सर्दी को भी झेल लेता है, उसकी हड्डियों किस तरह से मजबूत रखते हैं, उसी तरह से इंसान के जो हड्डियां हैं उनके जॉइंट्स को कैसे मजबूत रखे, किस तरह से हम ऊंट की तरह दौड़ पाए, हालांकि ऊंट की तरह नहीं घोड़ों की तरह दौड़ पाए, लेकिन कैसे मजबूत रखे इस पे बात करते हैं। इंसान की तरह दौड़ ले। ऊंटनी का दूध पीना, ऊंट को दूध को नहीं होए घड़ा का, ऊंट को दूध कैमल कैमल मिल कर, मैंने कहा ऊंट दूध को नहीं देवा, ऊंट मूत देवा। तो ऊंटनी का दूध बहुत अच्छा होता है अर्थराइटिस के लिए बहुत, और डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज जिनको भी अर्थराइटिस, ऊंटनी का दूध पियो, हल्दी मेथी सूंट, हल्दी मेथी ऊंट। और इसमें पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड बहुत ही जोरदार है। ऐ तो मैं सोचो हटे की आ गए तो कैमरो आ गए ऊपर से, जोरदार है, दृश्य बहुत अच्छे जा रहे हैं। आज ये नोखा गांव है, नोखा सीलवा गांव को अभिनंदन है भाई, सीलवा गांव आज पूरी दुनिया में छा गया भाई, ठीक क्यों हो रहा है पूरा सीलवा गांव, नोखा तहसील है, नोखा तहसील हाँ, तो नोखा अनोखा हो गया, सीलवासा जो है वो योगवासा हो गया। तो ये सीलवा गांव जो है बहुत जोरदार भाई, एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम करो, ए ये करो बैठे बैठे हाँ, कुछ तो बात ही झोंका है खाली हाँ, फिर हाँ तो देखो ऐसे ऐसे छोरी भी आ गई, एने क्यों बोले जो माथा ऊपर लगा हुआ है, बोरियो बोरियो बहुत जोरदार है, ढक्के क्यों रखा जी जी, देखने दे बोरियो तो दिखाड़ो। हाँ ऐसा इधर मत देखो नहीं तो घूंघट काटेगी फिर। ना रखो रखो हाँ हाँ सब बहने, हाँ तो इनका कोई ससुराल वाला तो कोई है ना। ससुराल वाला पियर वाला कोई भी रहे बेटे, कोई दिक्कत को नहीं, हाँ अब नए जमानो आ गए है हाँ, हमारी सारी जीजी आई है। तो ये देखो ये सूक्ष्म व्यायाम और खटाई नहीं खाना, हाँ खटाई नहीं खाना,
एलोवेरा की सब्जी खाओ बैठे, एलोवेरा की सब्जी, हल्दी की सब्जी और मेथी की सब्जी और बाजरो जो खाओ है बाजरा, वो बाजरा खाने वाला वज्र जैसा हो जाता है, बाजरा रहा सोकरा। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि आपने बाजरे की बात कह दी है तो सर आप ये भ्रम भी दूर कर दीजिए कि बाजरा कौन से मौसम में खाना चाहिए। आज माहौल वहाँ पे एकदम अलग है, बिल्कुल एकदम मौज मस्ती के मूड में है स्वामी जी। रंग रंगीलो राजस्थान, मीनाक्षी आज तो रंग रंगीलो राजस्थान है। मैं फिर से अपना सवाल दोहराती हूँ, मारो रंगीलो राजस्थान, ये अमित पालित है ना, ये बंगाली लड़का है और अपनी ये जो बेटी है ना मीनाक्षी जी, आपका क्या संबंध है बहन? मेरा तो घर ही जोधपुर है स्वामी जी, तो राजस्थान तो हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। की बेटी है, एक बार जोरदार अभिनंदन मैं मीनाक्षी जी। स्वामी जी बीकानेर के साथ मेरा एक रिश्ता भी है अच्छा खासा, और ये अमित जो है ना ये है बीकानेर में रहा हूँ, राजस्थान के रहा हुआ है, इसलिए अब सब कुछ ना कुछ निकल कर आ रहे हैं। मारवाड़ी बोल रहा हूँ क्या वो स्टूडियो में, क्योंकि बीकानेर में रहने का मौका मिला था थोड़ा वक्त स्वामी जी, इसलिए भगवती देवी भी आ गई है। बहुत स्वागत है स्वामी जी, भगवती देवी जी का भी अनुलोम विलोम स्वागत है आपका। मैं ये कह रही थी स्वामी जी, जब आपने बाजरा की बात की, अभिनंदन करिए मीनाक्षी जी, अमित जी, ओ हमारे आचार्य आचार्य बालकृष्ण जी को भी बहुत बहुत स्वागत है। विराजो उठे महाराज, आज तो संत समागम हो गया योग के इस कार्यक्रम में, सारे महापुरुषों का एक एक करके अवतरण हो रहा है। अब मैं स्वामी जी एक बार फिर से कोशिश कर रही हूँ सवाल लेने की, क्योंकि आज वाकई में उत्सव जैसा माहौल लग रहा है। एक तो राजस्थान की धरती ऐसी है रंग रंगीली, जैसे कि अभी अमित ने भी कहा। स्वामी जी आपने बात बाजरे की तो कई लोगों में ये भ्रम है कि बाजरा किस मौसम में खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और बाजरे के साथ घी कितना लेना चाहिए, क्योंकि बाजरा पचाना भी आसान नहीं होता है। तो स्वामी जी बाजरे को लेकर आज सारे भ्रम आप दूर कर दीजिए कि चाहे मौसम कोई भी हो बाजरा खाया जा सकता है, लेकिन हाँ उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। देखो बाजरा 12 महीने, जैसे हमारे पूज्य मुरलीधर जी महाराज जी देश के बहुत बड़े कथाकार हैं, इनका भी बहुत बड़ा अभिनंदन, रामरी कथा गावे, रामरी प्राण प्रतिष्ठा होगी अयोध्या में, और राम राज्य लाने के लिए राम का चरित्र कैसा है, राम का चरित्र कैसे अपनाए, पूज्य मुरलीधर महाराज जी बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, और 12 महीने बाजरा री रोटी खावे, और हम थारे सामने हमने भाई 1-2 महीने कभी गेहूं खा लिया होगा तो अलग बात है, बाजरा खा के हम बड़ा हुआ, और भाई ऊंट पर एक बैठ सके कि दो रे हाँ, तो भाई मैं आज ऐ पे बैठ के प्राणायाम करूंगा। अरे हाँ चलो खड़ा कर दो भाई ने, हाँ चलो कोई कोई दिक्कत, अरे पता है आगे पीछे जावो है थोड़ो, हाँ तो कभी सोचे कि भाई हाँ ऐसे निकल थोड़ो, हाँ आज इस पे बैठ के ही अनुलोम विलोम करता हूँ, एक दिन हाथी पे बैठ के करे नीचे पड़ गयो और लोग कह रहे बाबा ये टांग तो नहीं टूटी, मैंने कहा टांग बड़ी मजबूत है, बस बस अरे बस 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 हाँ बस 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 अरे रोक 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 हाँ हाँ, तो ये अनुलोम विलोम कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज्यादा उत्पाद करोगे मैं नीचे कूद जाऊंगा, क्या दिक्कत है बस बस अरे रुक हाँ रुक 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 रुक, तो देखो एक तो बाजरा के बारे में, बाजरो गर्म को नहीं हुआ है, इतनी गर्मी तो चाहिए नहीं तो आदमी ठंडो पड़ जाएगा तो बाजरा 12 महीने खाया जा सकता है, बाजरे के साथ घी जरूर खाना चाहिए, जो शहर वाले उनको 1-2 चम्मच और भाई जो गांव वाले उनके लिए कोई नियम को नहीं जितनो हजम हो उतनो खा लो हाँ, और इसकी मेरे को दो कोई दिक्कत नहीं हाँ, तो देखो ये अरे हम शिक्षण को नहीं ला ला हटे दे हाँ कोई दिक्कत नहीं, कुछ लोग वही परेशान हो रहे हैं, अब भाई और हमारा सुरक्षा वाला वही सोचे हैं पता नहीं, कोई दिक्कत को नहीं कोई दिक्कत को नहीं हाँ, देखो अनुलोम विलोम करो तुम तमाशा देख रहे, बाजरा 12 महीने खाया जा सकता है, 1-2 चम्मच शहर वालों को और गांव वालों को हाँ, और जो है बाकी को जो दूसरे लोग हैं उनको गांव वालों के लिए नियम, और बाजरा का चूट खाओ वो घना, और
के साथ दही और छाछ, बाजरे के साथ क्या बोलो? दही छाछ। ये तो जोरदार काम हुआ है। हाँ, और अब थोड़ा बहुत ऊंचपना करके देखेंगे। हाँ, पद्मासन। ओ पद्माराम जी रा जगह आके ना पद्मासन लगाना पड़े ना। हाँ, ये भी कठिन है स्वामी जी, आप जो कर रहे हैं बैलेंस बहुत सही है। तो बहुत बाजरे के साथ कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो बाजरे के साथ दही छाछ और शाक सब्जियां खूब खाओ। और कैर सांगरी, देखो पीछे सांगरी रा पौधा है, ये पीछे झांग रखे और ये इधर बिना ये जो सांगरी, इसको क्या बोलते हैं? बहुत स्वादिष्ट होता है। खेजरी, खेजरी और समी बोलते हैं संस्कृत में, समी खेजरी। इसका इसके जो पत्ते होते हैं ना, ऊंट बकरी बहुत बढ़िया चाव से खाती है, और ऊंट और बकरी का दूध बड़ा ताकतवर होता है। तो खैर, दूध के साथ खाओ, दही छाछ के साथ खाओ, आनंद। लेकिन ये है कि अगर जीवन का ये आनंद लेना है तो हर रोज हमारे साथ सुबह 8 बजे जरूर जुड़ जाओ, और योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ योग और आयुर्वेद का ये जो क्लास है ना, ये सेशन कभी ना गवाओ। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज तो पूरा माहौल मस्त था, रंग रंगीला था। तो आप अब इस ऊंट की सवारी का आनंद लीजिए, हमें इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद स्वामी जी।